और वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार आने वाले समय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने जा रही है। अनुसूचित जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिए बड़ी सहायता की घोषणा की और कहा कि लघु और सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर 20% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक 10% की ही छूट दी जाती थी। इसके अलावा व्यापार करने के लिए जो भी लोन लिया जाता है उस पर भी ब्याज में अन्य वर्गों के मुकाबले 20% से ज्यादा छूट दी जाएगी। वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए दी जा रही अस्थायी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अस्थायी नौकरियों में भी अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है और इनमें भी 41% अनुसूचित जाति के युवाओं को लाभ मिला है। एक विषय आया है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे, लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे, तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं।